अम्मी जान यहाँ हूँ, इधर आ जाओ। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा जॉब पे पहला दिन? बहुत अच्छा। लेकिन मुझे आप ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सोचा तुम थकी हुई आओगी तो मैं खाना बना लेती हूँ, तो खाना बना रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आकर बना लूंगी। चले हटे, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम थकी हुई हो, बना लेती हूँ। मुझे एक बात बताएं, आप ये चाहती है ना कि मैं खुश रहूं? जाहिर है। तो फिर एक काम करें, ये चमचा मुझे दे और बाहर जाके आराम करें, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। दे। अच्छा भाई, ये लो। ऐसे क्या देख रही है? जावेद को पता नहीं है कि उसने तुम्हारी कदर ना करके कितनी बड़ी गलती की है। जब तक उसे एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप ऐसे मत सोचा करें, क्योंकि मैंने सोचना छोड़ दिया। मायरा मत करो, मुझे वही स्मार्ट और एक्टिव सुनाना चाहिए। जावेद, मगर कुछ नहीं, किस तरह करना है मुझे नहीं पता, मगर एक दो दिन के अंदर स्कूल ज्वाइन करो। तो वहां मेरा स्कूल बर्बाद हो गया है और यहां तो मैं आराम की पड़ी हुई है। मुझे इस वक्त तुम्हारे सुगड़पन की नहीं, तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत है। इंसान किसी के लिए सिर्फ तब तक अहम होता है जब तक दूसरे को उसकी जरूरत है। जरूरत खत्म, अहमियत खत्म। मुझसे पहले निकल आए, पूरे घर में देखा, वॉचमैन ने बताया तुम स्कूल चली गई हो। आप सो रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बस तैयार हुई और आ गई। नाश्ता किया? भूख नहीं। ये तो ठीक बात नहीं, नाश्ता करोगी तो काम कर सकोगी। आप फिक्र ना करें, काम के बगैर मरूंगी नहीं मैं। सी बात है, मुझे सिर्फ काम के लिए तुम्हारी भी जरूरत है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अब इस खामोशी का मतलब? क्या वाकई मैं मायरा बनती जा रही हूँ? अस्सलामुअलैकुम, आपने बुलाया? वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। कोई मसला तो नहीं? नहीं। गुड, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल। वैसे मैनेजमेंट के साथ साथ टीचिंग में भी इंटरेस्टेड हैं आप? मुझे लगता है कि आप एक अच्छी टीचर साबित होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है देन श्योर, व्हाई नॉट। तो फिर शुरू कर दें अल्लाह का नाम लेके। आपके सैलरी पैकेज को रिविजिट करते हैं एक दफा। थैंक यू।
मुश्किल से सोया है। तुम्हारी आदत पड़ गई उसे। कुछ महीनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती स्कूल से? एडमिशन्स हो रहे हैं अम्मी स्कूल में। जावेद ने तो कहा भी था कि छुट्टी ले लो। बच्चे से ज्यादा स्कूल अहम नहीं है। जब वो कह रहा है तो उसकी बात क्यों नहीं मान लेती तुम? जब वो एहसास कर रहे हैं तो मुझे भी तो करना चाहिए। वैसे भी स्कूल को इस वक्त मेरी जरूरत है। और बच्चे को क्या उसको माँ की जरूरत नहीं? एक दो महीने की बात है, मैं ले लूंगी छुट्टी। मुझे क्यों लगता है कि तुम ना चाहके भी स्कूल की जिम्मेदारी निभा रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? अपनी हालत तो देखो, कितनी कमजोर पड़ती जा रही है। नहीं आ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है? तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। सारे पैसे खर्च कर रहे हैं तुम हमारे लिए? तो अम्मी पैसे तो अपनों पे ही खर्च करने के लिए होते हैं। फिर भी बेटा, मेरे पास कोई कपड़ों की कमी थोड़ा ही थी, तुम तो इतने सारे सूट और ले आई। हाँ बेटा, कपड़े तो मेरे पास ही बहुत हैं। लेकिन ये कपड़े मैं अपनी सैलरी से लेकर आई। तो कुछ पैसे बचा लेने थे ना बेटा, तुम तो सारे ही पैसे खर्च करके आ गई। अम्मी अब मेरी सैलरी इतनी कम नहीं है कि सब खत्म हो जाए। अच्छा, मैं अपने मामा बाबा के लिए भी कुछ लेके आई हूँ। जब वहां जाऊंगी तो उनके लिए भी ले जाऊंगी। और अपने लिए क्या लेके आई हूँ? अपने लिए भी सूट लेकर आई हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब आप अच्छी हो तो कपड़े भी तो अच्छे होने चाहिए ना। ये तो है। तो तारीख ही खत्म हो गई। जावेद यहां नहीं है सुनैना। मैं जानती हूं,
मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? नहीं, मैं कह रही बोर हो रही थी, सोचा आपसे बात करूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, सो रहे हैं। और शायान? वो भी सो रहा है। कभी कभी कॉल कर लिया करूं आपको? हाँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करके बुरा ना लगे तो। मुझे तो अच्छा लगता है, आप बहुत सच्ची बातें करते हैं। सच्ची बातें बहुत तल्ख होती। झूठ सुनकर बेवकूफ बनने से तो अच्छा है कि इंसान तल्ख बातें सुन के थोड़ी देर खो ले। जावेद रोज लेट आता है क्या? जी, कभी कभी उसी तारीख पे आ जाते हैं, मगर अक्सर तारीख बदल जाती है। जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले आ गए, सुनैना नहीं आई? शाहजी आप तो जानते हैं, बच्चा भी छोटा सा। बच्चा छोटा लेकिन एक्सक्यूज बहुत बड़ा। आपका बड़ा पा। आओ कुछ लोगों से मिल बात। जी इनसे मिलो। ये है एमपीए शगुफ्ता सिराज और ये जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी आपके बारे में कौन है? बहुत सुना है आपने, अक्सर टीवी पर भी देखा तो आपको भी है। बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मगर जो काम आप कर रही हैं उसके सामने हम क्या? सोशल वर्क हो, औरतों के हक में आवाज हो या फिर अवामी, आप कहीं भी पीछे नहीं। और पार्टी पॉलिसी को जितना अच्छा आप डिफेंड करती हैं और कोई कर ही नहीं सकता। आई मीन डिफेंड तो सभी करने की कोशिश करते हैं, मगर जैसा डिसेंट और कन्विंसिंग अंदाज आपने पाया, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। पॉलिटिक्स में नया नया, आप लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करो। तो क्या आपने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है? क्यों, अपना अपना सा नहीं लगे? इसी तरह की बातें करते रहे तो शायद लगने लगे। तो मिस्टर जावेद अयाज, आप अच्छे एजुकेशनलिस्ट हैं या पॉलिटिशियन? मैं समझा आप तीसरा ऑप्शन भी रखेंगे, अच्छा इंसान। वो तो साथ वक्त गुजरेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। By the way, आपने कोई पार्टी फंड जमा करवाया है या मुफ्त में हमारी पार्टी की रुकनियत एंजॉय कर रहे हैं? आप हुक्म कर। सोच लें, हम हुक्म करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। मैं हर काम बहुत सोच समझ कर, मगर हुक्म करें दिल से कर। तो फिर बताइए दोबारा कब मुलाकात होगी? जब आप। आई विल कॉल। और हाँ, पार्टी फंड जमा कराना मत भूलिएगा। आपका हुक्म, कैसे भूल सकते। नाइस मीटिंग यू। माय प्लेजर। बहुत जल्दी याद नहीं आया।
भूला कौन था? मैं तो 2 दिन से ये अपने साथ लिए घूम रहा हूं। तो पहले क्यों नहीं दिया जिस दिन एनिवर्सरी थी? शिकवे ही करती रहोगी। बताओ कैसा लगा गिफ्ट? सूरत है। सुनो, कल रात कहां थी? कल गेस करो मैं किससे मिला। किससे? शगुफ्ता सिराज खान को। शगुफ्ता सिराज? वो तो बहुत डेंजरस सी औरत है, बल्कि मैंने सुना है उसका पूरा खानदान ही ऐसा है। डेंजरस? हाँ, पापा अक्सर जिक्र किया करते थे उसका। वो अजीब कब्जा ग्रुप टाइप के खानदान से है, लोगों को मार देते हैं और पता भी चलने नहीं देते। ऐसे ही बातें मशहूर कर देते हैं दूसरी पार्टी। पापा की दोस्त की फैक्ट्री थी उनकी जमीन पे, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने बेची। वो तो अंकल ने सोच लगाई थी तो उन्हें छुटकारा मिला। वेल, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है किसी ने उनका नाम मिसयूज किया। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो वजह होगी। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। क्या फर्क पड़ता है? जो भी है, मैंने शगुफ्ता सिराज जैसी औरत नहीं देखी। उसे डेंजरस कहो, इविल कहो, लेकिन कुछ बात है। खैरियत तो है? बहुत पसंद आ गई। अब तुम शक की बीवियों की तरह सवाल जवाब करने मत बैठो, सब शेयर करो। अच्छा, क्या आपने वाकई फैसला कर लिया है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? तो कर भी चुका। ऐसे हैरत से क्या देखती? तुमने तो कहा था मुझे ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, लेकिन उस वक्त हमारी शादी नहीं हुई थी और मुझे नहीं पता था आप इतने मसरूफ हो जाएंगे। अब हो गया हूँ और बेहतर होगा मेरे डिसीजन को तुम ले सको। क्या हुआ? क्या गिरा? चश्मा टूट गया है। चलो एक और मसला। आहिस्ता बोलो, मायरा सुन लेगी। पहले ही उसने बहुत कुछ अपने सर ले रखा है। जावेद तो समझता है कि महीने का खर्चा देकर उसने अपना सारा फर्ज पूरा कर दिया है। अच्छा, तुम उदास ना हो, मत खर्च करना अपने पैसे। मेरे पास घर के खर्चे के पैसे रखे हैं, उसमें से बनवा लेना चश्मा। अच्छा अच्छा, चुप करो। अम्मी अबू, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लाइए अबू। क्या? वही ऐनक जो आप छुपा रहे हैं। मैं वापसी में ऐसी दूसरी ले आऊंगी। मैंने तो बेटा क्या जरूरत है, मैंने कौन सा पढ़ना लिखना है? और पढ़ना लिखना नहीं होता तो क्या हुआ? अम्मी को तो देखना होता है, और ऐनक के बगैर तो झगड़ा भी ठीक से नहीं होता। देखो सर, देखो, छेड़ रही है हमें। लाइए। Thank you.
शुक्रिया शगुफ्ता जी, पार्टी फंड के लिए एक अदद चेक अरसाल कर रहा हूँ। तारीख मैंने अपनी मर्जी से लिख दी है, अमाउंट आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। आपका मोहसिन जावेद अयाज। सक्सेस यानी कामयाबी। कामयाबी तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक ठीक और दूसरा गलत। गलत रास्ता अक्सर आसान होता है और सही रास्ता मुश्किल। अहम ये बात नहीं है कि हम कामयाबी तक पहुंचे या नहीं, अहम ये बात है कि जो रास्ता आपने चुना है वो ठीक है या नहीं। और ठीक रास्ते का इंतखाब वही शख्स करता है जिसकी नीयत साफ है। मैम ये प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बताइए। ये दिखाइए, ये क्या? ये ले मैम। ठीक है, आप जाइए। कैसी हैं आप? फोन सुनने में तो आप खवातीन से भी ज्यादा मोहतात लगते हैं। सातवीं बेड पे रिसीव किया आपने। आपसे बात करने के लिए किसी पुरसुकून जगह का इंतखाब कर रहा था। इसका मतलब है आप घर से बाहर कहीं निकल आए हैं। बस ऐसा ही समझो। आपका ये चेक मिला है, बल्कि ब्लैंक चेक मिला है, क्या करना है इसका? अमाउंट लिख देते तो अब तक जमा हो चुका होता। अमाउंट लिख देता तो आप फोन नहीं करते। अच्छा नहीं, बात करने का बहाना बन गया। ओह अच्छा अच्छा, आपने इसलिए अमाउंट नहीं लिखी? नहीं, दरअसल मुझे अंदाजा नहीं था कि कितनी अमाउंट है, इसलिए आप पर छोड़ जो जी में आए भर। पहले पता तो चले कि आप क्या हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं। आपको क्या लगता? ये तो आप बताइए, मुझे तो आप दिलवाले लगते हैं। ठीक पहचाना, दिलवाला ही। ये मत सोचें कि करोड़पति हूं या अरबपति, वो भर लें जो दिल चाहते हैं। ये मुझ पर छोड़ दें कि कहां से पूरा करें। लंच टाइम पे किसका फोन आया था? किसका? पता नहीं, कोई ब्लूमिंग करके था। वो एक दोस्त है, पॉलिटिशियन। नाम क्या है? शफीकुर्रहमान। तो नाम से क्यों नहीं सेव किया हुआ? मेरे लिए नाम से ज्यादा काम नहीं है। शरीक नाम के काफी लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स। उस दिन उनके कोर्ट में अर्ध खिली कली देखी, तो इसलिए ब्लूमिंग्स के नाम से सेव कर। तो कुछ ज्यादा ही शक नहीं करने लगी मुझको? अगर नाम से सेव किया हुआ होता तो क्यों शक करते? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हो गया है? कितना रोना आता? नहीं रोते। Thank you.
भेजा हुआ चेक वापस कर। कोरियर मिल गया आपको? आपको कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा। अच्छा, क्या होगा? सारी बातें फोन पर ही करेंगे। जावेद, आप कहाँ हैं इस वक्त? घर पहुंच रही हूँ, आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। पहुंच दो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त नहीं, एक जरूरी काम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अरे आप अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक दो दिन में बताती हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज जी। बैठिए। आफ्टर यू। इनफॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? आई थिंक वी आर फ्रेंड्स नाउ। रियली? अरे आप तो ऐसे चौंके हैं जैसे मैंने फ्रेंड्स नहीं कुछ और कह दिया हो। खैर क्या चलेगा, चाय कॉफी या एनीथिंग एल्स? एनीथिंग यू लाइक। दो कॉफी स्पेशल। जी तो फिर व्हाट्सअप, वही सवाल जहन में चल रहा है अभी तक। एग्जैक्टली। हाँ तो हेजिटेशन कैसी है, पूछ लेना। आपने चेक वापस क्यों भिजवा दिया? मैं एक पॉलिटिशियन जरूर हूँ लेकिन थोड़ी बहुत बिजनेस सेंस भी है। घाटे के सौदे पे यकीन नहीं रखती मैं। मतलब? मतलब ये कि आज मैं अपनी मर्जी के अमाउंट लिख देती और कल आप मुझे कोई ऐसा वैसा काम कह देते जो मैं ना कर पाती तो प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई ऐसा काम करूं जिसके बाद आप मुझे कभी ना कर पाए। आप अपनी मर्जी की अमाउंट लिखकर भी कोई काम कहती तो मैं ना नहीं करता। अच्छा कह कर दे। अच्छा चले, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, जमीनें, शमीनें सब मेरे नाम कर दे तो कर देंगे? एक मिनट नहीं लगूं। बड़े दिल वाले हैं और दिल वालों से दिल के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मायरा नहीं आई। कितने दिन हो गए, एक फोन तक नहीं किया। भाई ठीक है, बच्चे हैं, ससुराल है, मगर माँ बाप भी तो हैं। एक मिनट की कॉल भी नहीं कर सकती थी। तो आप ही कर लीजिए, जो शिकायत आप मुझसे कर लें वो उससे कर लीजिए। थैंक यू। मैं माँ हूँ, बेटी की शिकायत का बुरा मान सकती हूँ मगर वो बेटी है, शिकायत का बुरा नहीं मानेगी बल्कि उसको तो अच्छा लगेगा और अपनाइयत का एहसास होगा उसे। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उदास हूँ। क्यों? तुम आई जो नहीं, ना कभी फोन किया। नाराज हो तो बता दो, हम मनाने आ जाते हैं। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है,
अगर ऐसी कोई बात नहीं है ना तो एक दिन आके अपना चेहरा दिखा दो। मां बन गई हो भाई, मां बाप के लिए औलाद क्या होती है अब तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए ना। आप उदास ना हो बाबा, मैं जरूर आऊं, कोई बहाना नहीं करूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, शफीक और रहमान या फिर शगुफ्ता सिराज खाकवानी? फोन दो मुझे। तुम मेरा फोन चेक कर रही थी, हाउ कुड यू डू दैट? क्यों नहीं कर सकती? जब आप झूठ बोल सकते हैं तो मुझे सच्चाई जानने का हक नहीं है? आपके पास औरतों से गप लड़ाने का टाइम है सिर्फ अपनी बीवी के लिए नहीं है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं ये? मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। Why don't you understand that? तुम शक ना करो इसलिए उसका नाम इस तरह सेव किया मैंने, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह की हरकत करोगे, मेरा फोन चेक करोगी तुम। ऐसी हरकत तो मायरा ने भी कभी नहीं की। मैं मायरा हूं भी नहीं। मायरा, ये आप हैं? क्यों, क्या हुआ? बहुत बदल गई हैं आप। अच्छा, और क्या, कितना वेट कम कर लिया है और स्किन कैसे ग्लो कर रही है? बाय गॉड, 10 साल छोटी लग रही हैं आप। बहुत दिनों के बाद मिली हूँ इसलिए अच्छी लग रही है। रिजा सही तो कह रही है, तुम वाकई बहुत स्पेशल हो। बल्कि यूं कहना चाहिए, तुम शादी पहले वाली मायरा लग रही हो। मुझे भी कोई टिप्स दे ना। मुझे तो खुद नहीं पता। हाँ, बस इतना जानती हूँ जिस हाल में भी रहती हूँ खुश रहती हूँ। आप तो कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे हैं। आप तो कुछ दिन रुकेंगी ना? नहीं। क्यों? अब मेरे पास वक्त है। वैसे भी कहते हैं कदर खो देता है रोज का आना। खैर, मैं अम्मी से मिलूंगी। क्या बात है, क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? जावेद से झगड़ा हुआ? जावेद घर पे होंगे तो झगड़ा होगा उनसे। रात रात भर घर नहीं आते।
मुझे तो लगता है मेरे लिए वक्त ही नहीं है उनके पास। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तुमसे कहा था कि दूसरी बीवी मत बनो, लेकिन तुम किसी की सुनो तब ना। बीवी का मूड कैसा था? ठीक था। ठीक कैसे हो सकता है जब उसे पता हो कि आप मुझसे मिलते हैं, फोन पर बात करते हैं? आपको कैसे पता? जब आपकी कॉल आए और आगे से आप कुछ ना बोले, उसका यही मतलब है कि आपकी बीवी मुझे कॉल कर रही है। ठीक अंदाजा लगाया। एक बात पूछूं? जी। पहली बीवी या दूसरी? आप जानती हैं? चले मैं सवाल दोहराती हूँ, मायरा या सुनैना? तो मेरी बीवियों का नाम भी पता है? मुझे तो आपके बच्चों के नाम भी पता है।